टीम अप कर रहे हैं, देखो। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जादूगर बॉय नैन असासियन के बारे में। जी हां गाइस, ये वही बंदा है जिसके घर पे रोज जादूगर आके कुछ ना कुछ इसे गिफ्ट करता रहता है। एंड कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि इसे भी इसकी माँ को जादूगर ने ही गिफ्ट किया है। हाँ तो मैं पिछले 2 महीने से किसी को भी कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। कोई कुछ भी मेरे बारे में हेट फैला रहा है, कोई कुछ भी मुझे बोल के चला जा रहा है, मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूँ या फिर मैं चुप हो चुका हूँ। मैं आ चुका हूँ फिर से अपने पुराने अंदाज में। स्वागत तो करो हमारा। हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? कोई उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। तो भाई लोग, आ चुके हैं हम फिर से पुराने अंदाज में। तो इस बार सभी को रिप्लाई मिलने वाला है। एंड इस बार रिप्लाई नहीं देने वाले, इस बार सभी को खोल के बचाने वाले। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है पर मुझे पता है कि मैंने पिछले 2 महीने में क्या क्या झेला है एंड इन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। तो गाइस अब वो टाइम आ चुका है कि इन लोगों का हिसाब पूरा सूट समेत लौटाया जाए। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर तेरा फैजा। सो गाइस अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। क्योंकि अभी इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ तांडव होने वाले हैं एंड आपके जितने भी सो कॉल्ड बिग यूट्यूबर्स हैं जो कि 5 मिलियन 10 मिलियन ले लेके बैठे हुए सब्सक्राइबर, उन सभी का भी पोल खोल होने वाला है बारी बारी से। तो अगर आप भी अपने सो कॉल्ड बिग यूट्यूबर्स के रियलिटी को जानना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर कर लेना। क्योंकि अभी इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ तांडव होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे नैन के बीच में, वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एक गिवअवे कस्टम से, जो कि गिवअवे कस्टम था नैन असासियन का ही। उसने एक टूर्नामेंट कराया था हाल में ही, आपको पता होगा, जिसका प्राइस बोलता 15,000 रुपए। उसी गिवअवे कस्टम से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। एंड ये कंट्रोवर्सी जो थी गाइस स्टार्ट तो हुई थी हमारी नैन के साथ, लेकिन धीरे धीरे और भी बहुत सारे यूट्यूबरों के साथ हमारी धीरे धीरे कंट्रोवर्सी होती गई। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा एंड एक एक वीडियो लाऊंगा, पार्ट बाय पार्ट आपको बताऊंगा कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई एंड किस किस के साथ फिर से बाद में हमारा कंट्रोवर्सी होता चला गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी का जड़ जो है ना, वो है देसी छोरा के बंदे, या फिर बोल सकते हैं जो हमारे हेटर्स है ना गिवअवे कस्टम के अंदर, वो लोग। क्योंकि ना तो हमने नैन असासिन को कुछ बोला, ना ही नैन असासिन ने हमको कुछ बोला, बीच में बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था। एंड जो देसी छोरा के बंदे जो आग लगाने के लिए बैठे हुए थे, बस उसी की वजह से ये सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है। एंड बाकी यूट्यूबर्स के साथ भी अगर हमारा कंट्रोवर्सी हुआ बाद में, उसके भी कारण यही देसी छोरा वाले बंदे या फिर हमारे कह सकते हो हेटर्स है। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो घटना है वो है नैन असासियन का एक टूर्नामेंट कस्टम का, जहां पे नैन असासियन ने 15,000 रुपए का टूर्नामेंट कराया था। एंड उसमें से हर एक कस्टम से 2 या 3 प्लेयर्स को मतलब चूज करता था फाइनल राउंड्स के लिए, ठीक है, फाइनल्स के लिए वो चूज करता था। तो ये घटना उसी की है। वहां पे हम एंड रजत दोनों एक साथ जाते खेलने के लिए। जाहिर सी बात है मैं एंट्री नहीं करता था उस टाइम पे, तो रजत ही मुझे एंट्री करवाता था, तो मैं रजत के साथ गया था। एंड गाइस वहां पे जब हम गए तो जाहिर सी बात है मैं आपको बहुत से वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर हम साथ में भी रहते ना तो ये बोलने लग जाते हैं कि ये टीमिंग कर रहे हैं ये वो। सो गाइस वहां पे भी सीन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वहां पे हम लोग जाते हैं एंड वहां पे जो देसी छोरा के ये बंदे बैठे हुए रहते हैं, जो हमारे हेटर्स हैं, वो स्पैम करने लग जाते हैं चैट में कि मैं एंड रजत मतलब कि टीमिंग करके खेल रहे हैं। एंड उसके बाद क्या कुछ होता है वो पहले आप लोग वो क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की चीजें क्लियर करूंगा। जल्दी बहन भाई, रजत एफएम एंड राज टीम अप कर रहे हैं, देखो रजत एफएम रुको देखने दो गाइस, रजत एफएम रजत एफएम और राज मेरे को देखने दो, रुक रुक राज कौन है, राज कौन है, राज कौन है, राज 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 नाम का कोई है ही नहीं ब्रो, करवाई मार रहा है कोने में जाके। अरे मैं प्लेयर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। हां हो गया हो गया हो गया, ठीक हो राज 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 कहां है भाई, राज दिख नहीं रहा, नंबर कितना है राज का? हां राज गेमिंग, ये तो अलग अलग है भाई, पूरे दो 4 और 5 नंबर देखो भाई, बहुत दूर दूर है दोनों। अरे ये तो जमीन आसमान का फर्क है भाई, टीम अप कैसे कर रहेंगे भाई कुछ भी? एक भाई इंग्लैंड में थे, एक दुबई में, ये एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है भाई, ये लोग टीमिंग कैसे करेंगे कुछ भी भाई, किसके ऊपर भी कुछ भी नाम डाल। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे जो हेटर्स है वो किसी भी कस्टम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बेफालतू में हमारे बारे में हेट फैलाना शुरू कर देते हैं। मतलब ना हम टीमिंग करते हैं ना ही हम कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये टीमिंग करते हैं। मतलब ये बाकी यूट्यूबर्स को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वहाँ पे जाके यही स्पैम करते हैं कि हम एंड रजत जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। मतलब हमारे बारे में जितना हो सके ना ये हेट फैलाते हैं, बस इनका यही काम है। एंड आपको इन लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके बोलने से शायद ही किसी यूट्यूबर को कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि आपको पता ही भाई सच्चाई की हमेशा जीत ही होती है, चाहे टाइम
लगे या स्ट्रगल हो, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतता है। सही बात है। लेकिन भाई ये बंदे जो है ना, ये यहीं पे नहीं रुकते, ये अपना काम जो है, जो इनके पापा ने इनको काम दिया है, वो बेखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि एक अच्छे बेटे होने के नाते ये अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। क्योंकि जो इनके पापा है, उन लोगों ने क्या बोला है हमारे बारे में, हेड फैलाने, जाहिर सी बात है जलता हमसे तो हेड तो फैलाएगा ही। तो इसने यहीं पे नहीं रुका, ये कहां चला गया, जब लास्ट जोन में फाइट होता है ना, एंड हमारा एंड रजत का भी फाइट होता है, वहां तक ये स्पैम करते हैं कि अब देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है। वो मैं आप लोगों को भी बोल क्यों रहा हूं, आप लोगों को एक क्लिप दिखा देता हूं, वो पहले आप फिर से क्लिप देख लो, फिर मैं बताता हूं कुछ। देखना ये होगा, देखते गाइस यहां पर रजत एफएफ जो लॉन्चर मिल रहा है, और यहां पर रजत ने राज को मार दिया। गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो रजत एफएफ और राज, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे दोनों जो है टीम अप कर रहे हैं, तो गाइस अभी दोनों ने मार दिया। गाइस यहां पे देखते सारे लोग जो लाइक। सो गाइस यहां पे तुम लोगों ने देख लिया कि जो रजत है वो मुझे लॉन्चर से मार देता है, ठीक है। एंड इसके बाद इन लोगों ने पता है क्या बोलना शुरू कर दिया कि ये स्ट्रीम देख रहे थे, हम लोगों ने स्पैम किया इसीलिए मार दिया। अरे भाई तू कौन है, कौन तू, तेरे को जानता कौन है, अब तेरे 10 ये स्पैम करने से क्या फर्क पड़ जाएगा हमको, कुछ नहीं भाई, कद्दू का फर्क नहीं पड़ता है, तू अपने पापा का बात मान के स्पैम करता रहे, हमें क्या मतलब है भाई, हम जो अपना काम कर रहे हैं वो करेंगे। एंड गाइस जो आप लोग अभी गिवे कस्टम खेलते हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं जो हमको देखते हो अभी, उनको पता रहेगा कि अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा कम खेल रहे गिवे कस्टम, उसके पीछे भी बहुत ही बड़ा कारण है। एंड वो कारण क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस यहां पे मैंने आप लोगों को आज बताया कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि कंट्रोवर्सी कैसे हुई, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लू देके जाता हूं इस वीडियो में, जिससे आपको पार्ट टू देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो गाइस यहां पे ये जो कस्टम होता है वहां पे बुया करता है रजत, एंड वो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं दो ही कस्टम खेलता हूँ, एंड दोनों में मैं टॉप 8 एंड टॉप 6 में मर जाता हूँ, एंड मैं क्वालिफाई नहीं होता हूँ, लेकिन रजत क्वालिफाई हो जाता है। एंड इसके बाद ही असली कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। सो गाइस वो कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट होती है, क्या कुछ होता है, उसको मैं आपको पार्ट 2 वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। सो गाइस आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर कर लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा, ये बात की गारंटी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धुंधली धुंधली सी राहें हैं, राहों पे काले साए हैं, सब चेहरे इंसानों से पर हाथ बड़े शैतानों से, ना पढ़ने देंगे सांसों को जहर बना देंगे।